आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। इंदौर के चंदन नगर में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले एनएसए के आरोपी और कोरोना पॉजिटिव मरीज जावेद खान को जबलपुर से भोपाल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जावेद पर एनएसए लगाकर इंदौर पुलिस ने जबलपुर भेज दिया था, लेकिन इस बीच हुई जांच में जावेद कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसका इलाज जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में किया गया है। बता दें कि जावेद का इलाज चल रहा था, तभी वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से ही फरार हो गया था। हालांकि दूसरे ही दिन उसे नरसिंहपुर जिले में धर दबोचा गया था। जबलपुर में मिले इलाज से जावेद अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है और उसकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, लिहाजा अब उसे भोपाल जेल भेजने का फैसला लिया गया है। इसी बीच जबलपुर में हर दिन सामने आ रहे कोरोना के आंकड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार की शाम 85 सैंपल की रिपोर्ट में एक बार फिर 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह जबलपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 87 हो गई है। अब पॉजिटिव आए मरीजों में 25 साल की महिला शामिल है, तो वहीं 22 मार्च को पुणे से जबलपुर आई थी। इसी तरह एक और युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो पूर्व में मृत हुई कोरोना संक्रमित महिला का रिश्तेदार बताया गया है। आज 274 रिपोर्टें आई, उसमें से सिर्फ 2 पॉजिटिव आए, बाकी सारी नेगेटिव थी। और एक सुशील राठौर जो पूर्व में पॉजिटिव था वो पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज हमारे मेडिकल अस्पताल से 2 लोग और रिलीज़ हुए। इस तरीके से कुल 9 लोग अब पूर्णतः ठीक होके मेडिकल कॉलेज से कोरोना से मुक्त होके अपने घर जा चुके हैं। और अब जो ट्रेंड था पहले, जो एकदम से आ रहे थे केसेस, वो लगभग रुक सा गया है। छुटपुट केसेस इधर उधर से आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। सर, आज जो जावेद रहा एनएसए का, उसको भी सुनना है, वो भी कोरोना ठीक हो गया? जी हाँ, जावेद भी कोरोना से ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब उसको भोपाल जेल रेफर किया जा रहा है, भोपाल जेल रेफर कर रहे हैं। और आगे का जो उसका जो भी उसको सजा मिलेगी या जो भी उसके बारे में निर्णय होगा वो भोपाल में होगा।